वेलकम बैक। कल हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था, अकाउंटिंग फॉर कंपनी। तो पहले लेक्चर में मैंने जस्ट आपको बेसिक्स बता दिए थे कि एक कंपनी क्या होती है, किस तरह से पार्टनरशिप से डिफरेंट होती है, क्या रीजन होते हैं मेनली कि हम एक बंदा बोलता है या कुछ लोग बोलते हैं कि हम पार्टनरशिप नहीं करेंगे या हम सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म नहीं रखेंगे, हम क्या करेंगे एक कंपनी खोलेंगे। दो मेजर रीजन थे। एक है कि अगर आप लार्ज स्केल पे करना चाहते हो तो उसके लिए आपको कंपनी सही रहता है, क्योंकि पार्टनरशिप में आपकी लिमिटेशन है, आप 100 से ज्यादा पार्टनर हो, आज की डेट में 50 से ज्यादा पार्टनर रख ही नहीं सकते। और दूसरी चीज कि अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइबिलिटी लिमिटेड हो तब भी आप जाते हो कंपनी के लिए। हालांकि पार्टनरशिप में भी एक कंसेप्ट आया है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, उसका एक्ट 2008, उसमें भी आप एक LLP हो सकते हैं। तो पार्टनरशिप हो सकता है, दूसरा LLP हो सकता है, जस्ट लाइक पार्टनरशिप लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनर, बट फिर भी कंपनी के बहुत सारे एडवांटेज होते हैं। तो थोड़ा थोड़े मैंने आपको आइडिया दिया था कल कि हम जब जहन में रखेंगे इसको समझने के लिए, हम जहन में रखेंगे किसको, हम जहन में रखेंगे क्या बोलते हैं इसको, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को, RIL को हम जहन पे रखेंगे। कि जब भी हम इस पूरा कंपनी को देखेंगे आपको विजुअलाइज करना है बैकएंड में रिलायंस। जो ही आपको रिलायंस में जाएगा तो आपको वो एक नक्शा खींच हो जाएगा कि एक कंपनी कैसी होती है। तो मेरा स्क्रीन शॉट आप मेरी शक्ल आ रही है और रुपया स्क्रीन नो सर, पॉज हो गई है। मार गए एक बार। हेलो, हाँ आप ठीक भी? ठीक है। तो कल जी सर। बेसिक तो आपको समझ आ गया था कंपनी के बारे में, तो मैंने बोला था कंपनी कैसे बनती है उसके बारे में एक बार रिपीट करते हैं। सबसे पहले क्या होते हैं, प्रमोटर होते हैं। क्या होते हैं, प्रमोटर प्रमोटर। होते हैं, जिनको ये आइडिया आता है कि हमें कंपनी बनाई। जैसे यहाँ पे रिलायंस की तो धीरू भाई अंबानी था, एंड फिर ये डिसाइड करता है कि भाई मैं जो कंपनी बनाऊंगा वो प्राइवेट कंपनी बनाऊंगा कि पब्लिक कंपनी बनाऊंगा। हमने डिसाइड किया कि हमने पब्लिक कंपनी बनानी है। फिर पब्लिक कंपनी की रिक्वायरमेंट्स क्या है, फिर पता चला कि यार आपके कम से कम 7 मेंबर होने चाहिए, तो इसने वो 7 बंदे लाए जिनको हम सब्सक्राइबर्स बोलते हैं, और इनिशियल मेंबर्स वही सब्सक्राइबर्स होते हैं। फिर जाके कंपनी में क्या होता है कि आपने सबसे पहले क्या किया, नेम डिसाइड किया कि आपका नेम क्या रहेगा, और आपने ROC में क्या किया, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी में जाके MCA की साइट पे जाके आपने क्या किया, पहले नेम सेलेक्ट किया कि ये मेरा नेम रहेगा। उसके बाद फिर आप क्या करते हो, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाते हो और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बनाते हो कि आप मोटा मोटी क्या काम करोगे इस MOA। फिर आगे जाके 6 क्लॉज होते हैं, नेम क्लॉज, सब्सक्रिप्शन क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, वो सारी चीज आप बताते हो। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में आप डिटेल में बोलते हो कि कंपनी क्या करेगी क्या नहीं कर सकती, वो सारा कुछ आप बोल देते हो। ये सब कुछ करके आप ROC में अप्लाई करते हो कि आप कंपनीज जो रजिस्ट्रार होता है उसको बोलते हैं कि आप मुझे क्या दे दो, सर्टिफिकेट और इनकॉर्पोरेशन दे दो, बेसिकली आप हमें हमारी कंपनी को रजिस्टर करो। वंस वो ROC आपकी कंपनी को रजिस्टर करता है, वो आपको क्या देता है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कि हाँ आप इनकॉर्पोरेट हो गए। उसके बाद फिर क्या होता है, आप फिर एक दूसरी सर्टिफिकेट लेते हो, उसको बोलता है सर्टिफिकेट ऑफ कमिशमेंट ऑफ बिजनेस। उसके बाद फिर आप बिजनेस स्टार्ट ना करते हो उसको। ये 3 स्टेज होते हैं, प्रमोशन स्टेज होता है, देन इनकॉर्पोरेशन स्टेज होता है, एंड देन कमिशमेंट ऑफ द बिजनेस स्टेज होता है। तो ये कंपनी का मोटा मोटी आपको समझ आ गया। अब आपको मैं बता दूंगा कैरेक्टर्स ऑफ कंपनी, कंपनी क्या होती है, क्या क्या फीचर्स होते हैं। जिस तरह हमने पहले पार्टनरशिप को समझा था, फिर फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप का, इस तरह से आज हमने पहले कंपनी समझ लिया, अब हम कंपनी के फीचर्स पढ़ेंगे। बट जब आपको क्लैरिटी आ गई कंपनी को, तो आपको फीचर्स खुद ही वहां से निकल जाएंगे, कैरेक्टर्स वहां से खुद ही निकल जाएंगे। सबसे पहली चीज कंपनी में भी क्या रहेगा, देयर विल बी एसोसिएशन ऑफ पर्सन एक्सेप्ट इन केस ऑफ OPC। एसोसिएशन पर्सन मतलब कुछ लोग होंगे जो ये बिजनेस करेंगे, बट इसमें एक्सेप्ट होना है 1 OPC की। OPC में एसोसिएशन पर्सन नहीं है, OPC में क्या होगा, सिर्फ एक ही बंदा होगा। तो अगर ये प्राइवेट कंपनी होगी तो मिनिमम कितने होने चाहिए, दो। दो अगर पब्लिक कंपनी होगी तो मिनिमम सात कितने होने चाहिए, 7। और अगर ये OPC है, 1 पर्सन कंपनी है, तो तो एक एक बंदा होगा। तो पहले यह कि कुछ पर्सन होंगे, मिनिमम एक होगा OPC में, प्राइवेट में 2 होंगे, पब्लिक में मिनिमम 7 होंगे, ठीक है। दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपनी का जो फीचर होता है बहुत डिफरेंट है, वो होता है सेपरेट लीगल एंटिटी। क्या होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी। जो कि पार्टनरशिप में नहीं था। पार्टनर एक तो आए थे, हम पढ़ते थे अकाउंटिंग में एक कंसेप्ट था बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, एक पढ़ते थे हम बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या बोलता था, किसी कोई इसको इसके साथ लिंक ना करे। एक हमने अकाउंटिंग में पढ़ा था बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, कोई मुझे बोलेगा बिजनेस सर एंटिटी कंसेप्ट क्या पढ़ा था, क्या मतलब होता है। बिजनेस इज सेपरेट एंड बिजनेस मैन इज सेपरेट। उसमें आप बोलते थे कि भाई जब हम अकाउंटिंग करेंगे ना,
बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन अलग है, या इसको मैं बोलूंगा ओनर अलग है। ये सिर्फ फॉर द पर्पज ऑफ अकाउंटिंग होता था, फॉर द पर्पज ऑफ अकाउंटिंग होता है। जब आप अकाउंटिंग करोगे, आपने बिजनेस की अकाउंटिंग करनी है और बिजनेसमैन की अकाउंटिंग नहीं करनी है। तो जो भी पैसा बिजनेसमैन बिजनेस को देगा, ये नहीं मानना कि ये तो बिजनेस ने बिजनेस को दिया। नहीं, बिजनेसमैन अलग है, अकाउंटिंग के लिए बिजनेस अलग है। आपको अकाउंटिंग बिजनेस की करनी है, और जो ये बंदा दे रहा है आपको पैसा, आप उसको ट्रीट कर रहे हो उसकी कैपिटल। आप बोल रहे हो कि बिजनेस के पास कैश आया और ये मालिक ने दिया, तो वो था एंगल फ्रॉम द अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। फ्रॉम द अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू आप बिजनेस को अलग मानते थे, बिजनेसमैन को अलग मानते थे, बट लीगली उसको अलग नहीं मानते हैं। जब एक दुकानदार को कर्जा चढ़ जाएगा, तो क्या उसको बोल सकता है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट? उसको पुलिस आएगी, बोले कि यार तूने उस बंदे से पैसे लिए? वो बोलेगा यार मैंने नहीं लिए, मेरे मेरे एजे गार्मेंट्स से लिए। क्या वो बोल सकता है? आंसर इज नो। व्हाट नो सर, द पॉइंट? जब मैंने रेडीमेड हाँ शॉप जी, खोली और मैंने दुकान के लिए कर्जदार से कर्ज ले लिया या बैंक से लोन ले लिया, तो बैंक को मैं थोड़ी बोल सकता हूँ कि यार देखो बिजनेस एंटिटी कंसर्न बोलता है बिजनेस अलग है, बिजनेस अलग है। आपने जो लोन दिया लतीफ को नहीं दिया, एजे गारमेंट को दिया, तो आप दुकान को पालो। तो मुझे बोलेंगे तुम रुक जाओ, पहले तुम्हें रहना वाले लेते हैं, तू पागलों वाली बात कर रहा है। वो अकाउंटिंग के लिए था कि बिजनेस को तुमने अलग समझना है, बिजनेसमैन को अलग समझना है, बट ओवरऑल वो एक ही बंदा है। कल को कुछ हो गया तो उसी बंदे को पकड़ेंगे। पार्टनरशिप में भी यही होता है, वो दो बंदे हैं। अकाउंटिंग के लिए आप पार्टनरशिप फॉर्म को अलग मानोगे और पार्टनर को अलग मानोगे, पार्टनरशिप फॉर्म की बुक्स बनाओगे, पार्टनर जो भी पैसा देंगे उसको कैपिटल मानोगे, लोन देगा तो लोन रिकॉर्ड करेंगे, लोन देंगे तो एज अ डेटर क्रिएट करेंगे, एज अ एडवांस क्रिएट करेंगे। वो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू थे, बट ओवरऑल जब देखा जाए तो लीगली वो एक ही है। पार्टनरशिप फॉर्म में दो पार्टनर है, कुछ हो गया तो उन पार्टनर को पकड़ गए, बट कंपनी में ऐसा नहीं है। कंपनी में द ओनर एंड द कंपनी आर टू सेपरेट पर्सन इन द आईज ऑफ द लॉ। तभी यहाँ पे सेपरेट लीगल एंटिटी, वहां पे था बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, यहाँ पे सेपरेट लीगल एंटिटी। समझ आया कि नहीं आया? अच्छे से समझ आया? नहीं आया समझ? तो यस सर, इसमें क्या है, ये सेपरेट लीगल एंटिटी है। तो कंपनी इज एन, इसमें आप लिखना चाहो, मुझे नहीं पता बुक वाले ने क्या लिखा है, आर्टिफिशियल पर्सन। क्या है? आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल पर्सन पर्सन इन द आईज ऑफ लॉ। दैट इज फॉर एग्जाम्पल मुकेश अंबानी, मुकेश अंबानी अंबानी, एंड रिलायंस, सपोज ओके, अभी रिलायंस जियो की कंपनी का नाम क्या है पूरा? एक मिनट। रिलायंस यूनिकॉर्न कंपनी हाँ से, रिलायंस यूनिकॉर्न कंपनी से, नहीं, जियो कंपनी का नेम क्या है पूरा? रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर है ना, बट जियो कंपनी का पूरा नाम क्या है? एक मिनट। अच्छा, मोबाइल का बिल नहीं देखा किसी ने अपना? एक मिनट मुझे देना। अच्छा, पेटीएम आपको पता है? पेटीएम, पेटीएम का नाम क्या है? 197 कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड है ना, 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड। रिलायंस जियो का पूरा नाम है, एक मिनट। रिलायंस जियो का नाम नहीं आ रहा है पूरा। मैं अभी क्लास पॉइंट ऑफ नीचे सपोज लिखता हूँ, अब मैं पूरा नाम देखना पड़ेगा। मुकेश अंबानी एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मुकेश जी अंबानी एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड आर टू सेपरेट पर्सन। क्या है? और टू सेपरेट पर्सन। मुकेश अंबानी अलग है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, नो मैटर द फैक्ट, इसमें सबसे ज्यादा शेयर मुकेश अंबानी के है, बट तभी मुकेश अंबानी अलग है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड अलग है। कल को अगर लतीफ एक कंपनी खोलेगा, लतीफ ए पर्सन अगर वो कल को एक कंपनी खोलेगा आरजे गारमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, और इसमें लतीफ मालिक है, बट तब की लॉ की नजरों में लतीफ अलग है, कंपनी अलग है।
समझाई बात? लतीफ अलग है, कंपनी सारे शेयर मेरे पास ही है, बट तभी मैं अलग हूं, कंपनी अलग है लॉक की नजरों में, ठीक है। जी सर। तीसरा क्या होता है, तीसरा फीचर जो हमने पढ़ा था इंपॉर्टेंट, वो था लिमिटेड लाइबिलिटी। क्या है लिमिटेड लिमिटेड लाइबिलिटी, लाइबिलिटी? पार्टनरशिप में लाइबिलिटी क्या थी? अनलिमिटेड हो। यहाँ पे लाइबिलिटी क्या अनलिमिटेड है? लिमिटेड है। लिमिटेड टू व्हाट? लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ इट्स शेयर। शेयर। यहाँ पे लाइबिलिटी एक शेयर होल्डर की लिमिटेड होती है। लाइबिलिटी ऑफ ए शेयर होल्डर, शेयर होल्डर कौन होता है? जिसने इस कंपनी के शेयर खरीदे, इज लिमिटेड टू द वैल्यू ऑफ टू द बुक वैल्यू या टू द फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स परचेज बाय हिम ओब्लिक हर। जितने शेयर उसने परचेज किए उतनी उसकी लाइबिलिटी है, बट अगर उसने वो पैसे दे दिए कंपनी को तो उसकी कोई लाइबिलिटी नहीं है। सपोज मैंने 1 लाख शेयर परचेज किए हैं ऑफ ₹10 ईच, टोटल कितना हुआ? 10 लाख। 10 लाख। अगर मैंने ये 10 लाख का 10 लाख पूरा कंपनी को दे दिया है शेयर खरीदते वक्त, क्योंकि आप पढ़ोगे आगे कि कंपनी एक साथ ये पैसा नहीं मंगाती है नॉर्मली, अगर मैंने ये पूरा पैसा दे दिया कंपनी को तो मेरी लाइबिलिटी फिर क्या रहेगी? नील। अगर मैंने अभी तक 4 लाख ही दिया है तो कल को अगर कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ी है या नुकसान हो गया, मेरे से कितना ले सकती है सरकार? सिर्फ 6 लाख ले सकती है। बोलता तूने अभी पूरे पैसे नहीं दे, तू 6 लाख रुपया और देगा, क्योंकि तूने 10 लाख, 10 की कमिटमेंट की थी, 10 का तू मालिक था, आ जा बाकी पैसा दे दे। बट अगर मैंने वो 10 10 रुपया करके पूरा दे दिया तो मेरी कोई लाइबिलिटी नहीं है, तो लाइबिलिटी मेरी लिमिट होगी। बट पार्टनरशिप में सोल प्रॉफिट में लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, नो मैटर मैंने कितना पैसा लगाया वो सारा अगर डूब गया और भी कुछ कर्जा पैसा है तो मेरे को घर से और पैसे लाने पड़ेंगे, बट कंपनी में ऐसी बात नहीं है। उसके बाद मैं मोटा मोटी जो इंपॉर्टेंट है ना वो बताता हूँ। सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट, यहाँ पे ओनर अलग है, मैनेजमेंट। पार्टनरशिप में क्या होता था यार, जो ओनर थे वही चला रहे थे, चाहे मैनेजमेंट। एक चला रहा था या सारे चला थे। पार्टनरशिप कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। सोल प्रॉफिट में वही मालिक खुद चलाता है ना, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे कंपनी कुछ लोगों की है, चलाते कुछ और है। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इंडियन ऑयल की बात कर रहा हूँ। आई एम वर्किंग इन ए कंपनी विच इज नोन एज इंडियन ऑयल, IOCL एक कंपनी है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड भी एक कंपनी है। तो ये कंपनी है इंडियन ऑयल, इसका मालिक कौन है? इसके अगर तो मालिक देखोगे ना, इसका मालिक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इसका मालिक कौन है? गवर्नमेंट है, बट चलाता कौन है? चलाता मैं हूँ, लतीफ चलाता है और लतीफ जैसे लोग चलाते हैं। तो जो कंपनी को चला रहे हैं वो अलग है और जिनकी कंपनी है वो अलग है। हालांकि मैं नहीं चला रहा हूँ कंपनी को, चला मैं नहीं रहा हूँ, मैं तो वर्कर हूँ उधर। कंपनी को चलाते हैं क्या? कंपनी में होते डायरेक्टर्स। क्या होते हैं? डायरेक्टर्स डायरेक्टर्स। तो ये डायरेक्टर्स कंपनी चला रहे हैं, तो कंपनी इज मैनेजर्ड बाय कौन? डायरेक्टर्स। बट कंपनी इज नॉट ओनर्ड बाय द डायरेक्टर, कंपनी इज ओनर्ड बाय सेपरेट पर्सन ना। मुकेश अंबानी मे बी अ डायरेक्टर ऑल्सो, बट इसके बगैर कोई और डायरेक्टर होगा। तो जरूरी नहीं है कि जो ओनर होगा वही कंपनी चलाएगा, कंपनी कोई और बंदा भी चला देता है। बड़े बड़े लोग यही करते हैं, कंपनी बनाकर खुद मजे कर लेते हैं, कंपनी में रख लेते हैं वर्कर, वो चलाते हैं। जिसको दिमाग होगा वो खुद काम थोड़ी करेगा, वो अपना पैसा लगा देगा, लोग करते रहेंगे काम। तो कंपनी में क्या होता है, जो ओनर अलग होते हैं, मैनेजर अलग होते हैं, मैंने जो मैनेजमेंट होती है जो कंपनी को चलाते हैं वो अलग होते हैं, और जो ओनर होते हैं जिसे रिलायंस में वो अलग। हजारों लाखों में लोग ओनर होते हैं, जिस जिसके पास रिलायंस का शेयर है वो रिलायंस का मालिक है। तो हर कोई थोड़ी रिलायंस में काम करता है, काम करने वाले दूसरे बंदे होते हैं। और एक अच्छा फीचर है कंपनी का, उसको बोलते हैं सक्सेशन परपेचुअल एग्जिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परपेचुअल का मतलब क्या होता है? हमेशा के लिए। एग्जिस्टेंस फ्यूचर। मतलब वजूद में रहना, तो कंपनी हमेशा के लिए रहती है। तो इसके लिए एक कहावत है जो लिखते हैं, पीपुल या मेंबर लिखो, मेंबर्स में कम एंड गो बट द कंपनी रिमेन्स फॉर एवर।
लोगों के जाने से कंपनी बंद नहीं होती, कंपनी चलती रहती है। मैंने रिलायंस के शेयर खरीदे, आज के डेट में मुझे लगा था मैं अपने ये शेयर किसी और को दे रहा हूँ, बट रिलायंस उधर ही है। रिलायंस धीरू भाई अंबानी ने स्टार्ट की थी, धीरू भाई अंबानी मर गया तो क्या रिलायंस मर गई? नहीं, रिलायंस पे मुकेश अंबानी चला रहा है, मुकेश अंबानी मर जाएगा कोई और लेगा, तो कंपनी चलती रहती है। बाटा है, रिलायंस है, भारती एयरटेल है, तो इसके शेयर होल्डर चेंज होते रहते हैं बट कंपनी चलती रहती है। समझ आई बात? सोल प्रॉपर्टी में ऐसा नहीं है, वो जी दुकानदार मर गया, मर गया तो हो सकता है कि उसका दुकान भी बंद हो जाएगा। पार्टनरशिप में भी पार्टनर मर गया तो वो पार्टनरशिप डिजोल्व होती है, आपने पढ़ लिया, तो बेसिकली डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है, फिर नई पार्टनरशिप बनती है। पार्टनर मर गया, पार्टनर बंद हो गए तो खत्म हो गया। बट कंपनी में ऐसा नहीं है, कंपनी में मेंबर मर गया कोई दिक्कत नहीं, उसके शेयर दूसरे पर आएंगे, कंपनी रहेगी। तो कंपनी में लोगों के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, कंपनी चलती रहती है, कंपनी मालिकों पर डिपेंडेंट नहीं होती है। और दूसरा एक इंपॉर्टेंट और चीज है, कैपेसिटी टू सू और टू बी सू, मतलब कंपनी जो है वो किसी को केस भी कर सकती है और कंपनी को कोई केस भी कर सकता है इन इट्स ओन कैपेसिटी। पार्टनरशिप में जब केस करना था तो उन पार्टनर पे किया जाता, सोल प्रॉपर्टर में केस होता तो उस सोल प्रॉपर्टर होता है, बट कंपनी के केस में ओनर पे केस नहीं हो जाएगा, मेंबर पे केस नहीं हो जाएगा, शेयर होल्डर पे केस नहीं हो जाएगा। कंपनी अगर कुछ गलत करती है तो केस जो है वो कंपनी को किया जाएगा, कंपनी को पेनल्टी देनी पड़ेगी। सपोज जब जियो लाया गया तो जियो ने क्या किया, मार्केट को डिसरप्ट कर लिया, इनने फ्री में सिम स्मार्ट ली, फ्री रिचार्ज सब कुछ रखा, तो भारतीय एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया, एयरसेल, ये सारे लोग चले गए कंज्यूमर कोर्ट में, बोला यार ये जियो जो है इनने गंद फैला दिया मार्केट में। उनने किसको केस किया? उन्होंने मुकेश अंबानी को केस किया कि जियो को केस किया? उनने जियो जियो को को केस किया, बिकॉज जियो इज अ कंपनी, जियो इज अ लीगल पर्सन इन द आईज ऑफ लॉ, दो इज आर्टिफिशियल, इज नॉट रियल पर्सन, बट इट इज अ पर्सन इन द आईज ऑफ द लॉ। लॉ इसको टैक्स ले लेता है और आइडेंटिफाई करता है कि तुम एक सेपरेट पर्सन हो, जियो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, व्हाट एवर नेम जियो हैज, इज पर्सन इन द आईज ऑफ द लॉ, एंड दैट पर्सन कैन सू समवन, दैट पर्सन कैन बी सूड, वो केस कर भी सकता है। जैसे भारतीय एयरटेल ने केस किया, मित्तल ने केस नहीं किया, केस किया भारतीय एयरटेल कंपनी ने जियो कंपनी को, तो कंपनी ने कंपनी को केस किया। एक पर्सन मुझे लगता है कि जियो वाले चोर है तो मैं जियो को केस कर सकता हूँ, मैं मुकेश अंबानी को केस नहीं कर रहा हूँ, मैं जियो को केस कर रहा हूँ, बिकॉज उसके साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट होता है, वहां पे उसने कुछ गलत कर लिया है, तो जियो इज अ सेपरेट पर्सन इन द आईज ऑफ द लॉ, एंड दस दैट सेपरेट पर्सन कैन सू समवन, दैट सेपरेट पर्सन कैन बी सूड, ठीक है। और एक चीज होता है, हालांकि वो आज के दिन उतना जरूरी नहीं होता है, पहले होता, कंपनी के पास एक कॉमन सील होती है, क्या होती है कॉमन सील, पहले होते थे बट कंपनीज एक्ट, आई थिंक कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015, तो दे बेसिकली डू अवे विद दिस कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन सील। अगर अब ये कंपनी एक सेपरेट पर्सन है तो कैसे माना जाएगा कि इसने किसी डॉक्यूमेंट को साइन किया नहीं है, तो इनको आरओसी की तरफ से एक सील मिलती थी, तो जिस पे वो लगा होता था, मतलब होता था कि वो रिलायंस के डॉक्यूमेंट है, तो रिलायंस उसको साइन करती थी, तो वो सील मिलती थी कंपनी को, तो जहां पे वो ठप्पा लग गया मतलब ये कंपनी की तरफ से साइन डॉक्यूमेंट है। बट अब वो कंसेप्ट खत्म हो गया, अब दो डायरेक्टर भी अगर साइन करेंगे तो काम हो जाएगा, अगर दो डायरेक्टर साइन करेंगे तो माना जाएगा कि ये कंपनी ने कर लिया, ठीक है। और दूसरा होता है पब्लिकेशन ऑफ अकाउंट्स, कि कंपनीज को, स्पेशली पब्लिक लिमिटेड कंपनी को, अपने जितने भी अकाउंट होते हैं वो पब्लिकली अपलोड करने हो, एक तो आरओसी में अपलोड करने होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दूसरा पब्लिकली भी वो कर लेते हैं, ठीक है ना। ये मोटा मोटी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कंपनी था, तो आई विल ट्राई टू गिव यू सम इनसाइट्स अबाउट प्रैक्टिकली कंपनीज कैसी होती है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ, तो आप मुझे बता देना आपको स्क्रीन दिख रही है नहीं दिख रही है, ठीक है ना, ऐसे रेंडमली देखते हैं। तो एक मिनट, सर, कौन एट्थ वाला कैरेक्टर क्या बोला था आपने? सा वाला, एट्थ वाला कॉमन सील के बाद। लास्ट वाला, या बुक से भी भेज सकते हो, पब्लिकेशन ऑफ, एक मैंने बोला कॉर्पोरेट सील, कॉमन सील बोला मैंने, और फिर मैंने बोला कि पब्लिकेशन ऑफ अकाउंट, इनको अपने अकाउंट जो है वो पब्लिक करने पड़ जाते हैं। जैसे पार्टनरशिप में आपको मर्जी थी, आप अपने फाइनेंस में किसको दिखाना चाहते हो, बैंक को नहीं दिखाना चाहते, कोई दिक्कत, पर कंपनी को मैंडेटरी अपना रजिस्टर ऑफ कंपनीज में हर साल अपने फाइनेंस में फाइल करने पड़ते हैं, ठीक है ना, क्योंकि पब्लिक का पैसा लगा होता है। ठीक मैं जैसे यहाँ पे आपको एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप मुझे बताना आपको दिख गया, मैंने एक कंपनी लिखी RIL, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये एक ग्रुप कंपनी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ठीक है ना। अब इनकी वेबसाइट खुल गई यहाँ पे, ठीक है ना,
तो यहाँ पे रिलायंस रिलायंस की स्टोरी आ गई। बोलते हैं कि थोड़ा मैं आपको ओवरव्यू देना चाहता हूँ ना, सब क्या बोल रहा है यहाँ पे। धीरूभाई अंबानी रिटर्न्स टू इंडिया इन 1957 आफ्टर स्टिंट विद एबीएस एंड कंपनी एट एन एम एन। ही स्टार्ट्स अ यार्न ट्रेडिंग बिजनेस फ्रॉम अ स्मॉल फाइनेंस ऑफिस ऑफिस मस्जिद बंडार मुंबई। बट ड्रीम्स ऑफ एस्टैब्लिशिंग द कंपनी ऑफ बट ड्रीम्स ऑफ एस्टैब्लिशिंग द इंडिया लार्जेस्ट कंपनी, ठीक है ना। तो 1957 में इसने क्या किया, इसको ये बाहर कहीं काम कर रहा था, वहां पे इसको मैनेजर मैनेजर लड़ाई हो गई, इसने बोला बाहर में जाओ तुम, मैं इंडिया वापस आ जाता हूँ और यहाँ पे अपनी कंपनी स्टार्ट करता हूँ। तो इसने स्टार्ट किया किसका किसका बिजनेस किया इसने स्टार्ट, एक यार्न ट्रेडिंग का, वो जो धागा बनाते हैं ना उससे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बेसिकली इसने स्टार्ट किया। तो उसके बाद इसने क्या किया है, 1977 में इसने रिलायंस रिलायंस एक कंपनी बनाई, रिलायंस टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, और उसका आईपीओ किया, इनिशियल पब्लिक ऑफर किया, लोगों को बोला कि भाई मैं कंपनी बनाना चाहता हूँ, मैं इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी बनाना चाहता हूँ, आप इसके हिस्से तरह बनना चाहते हो, अगर हिस्से तरह बनना चाहते हो ये लो मेरी कंपनी के शेयर ले लो। लोगों को बोला कि आ जा भाई इस कंपनी के इतने शेयर्स है, आप अगर लेना चाहते हो तो आ जाओ कंपनी को पैसा दे दो, ठीक है। ये इसको सर्टिफिकेट इंक्वायर में मिल गया, ठीक है ना, इक्विटी शेयर्स ईच ऑफ रुपीज 10, शायद आपको साइड में दिख रहा है, थोड़ा दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ये देखो ये दिख रहा है, दिख रहा है कुछ स्क्रीन, दिख रही है नहीं दिख रही है, सर ये इक्विटी ये देखो ये शेयर्स रिलायंस ईच ऑफ इंडस्ट्रीज की रुपीज पहली है। शेयर हाँ सर्टिफिकेट है ना, इस बंदे को इतने हाँ शेयर्स मिले हैं, ठीक है ना। तो इन्होंने आईपीओ निकाला, इनिशियल पब्लिक ऑफर, उसकी अकाउंटिंग की हमें करनी है वो मैं आगे बताता हूँ, ठीक है ना। उसके बाद क्या किया इसने, फिर ये ना आगे देखा ना पीछे देखा, फिर इसने एक मिल बना दी गुजरात में, ठीक है ना, धागा बनाने की मिल बना दी इसने। फिर इसने क्या किया आगे, एनहांसिंग द लाइफ स्टाइल ऑफ इंडिया, फिर इसने रिलायंस में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पॉलिस्टर बन गया, पॉलिस्टर जिससे कपड़ा वपड़ा धागा वागा बनता है वो इसने बना दिया। फिर इसने बोला कि यार एक काम करते हैं कि पेट्रोलियम सेक्टर में घुसते हैं, तो इसने क्या किया, रिलायंस पेट्रोलियम बना दिया, रिलायंस कमीशन वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रॉस रिफाइनिंग, फिर रिफाइन जैसे इंडियन ऑयल रिफाइनरी है इस तरह इनने भी अपनी रिफाइनरी बनाई जामनगर में, और पेट्रोकेमिकल जो प्लास्टिक व्लास्टिक वो सब कुछ बनता है पेट्रोकेमिकल में वो इन्होंने बनाया। तो वो और इन्होंने क्या बना दिया, फ्रूट इंडस्ट्री में भी दुनिया का एशिया का सबसे लार्जेस्ट जो मैंगो का बाग है वो भी इसने बना दिया, ठीक है ना। उसके बाद इन्हें क्या किया, टेलीकॉम में रिवोल्यूशन लाया, फिर ये रिलायंस किस में घुस गया, टेलीकॉम में, रिलायंस कम्युनिकेशन आ गया, एंड देन यू सॉ इन 2016 में फिर क्या लाया, रिलायंस जियो लाया। अब आज की डेट में ये मतलब जो सबसे टॉप 500 कंपनीज होते हैं उनको बोलते हैं फॉर्च्यून 500 कंपनीज, क्या बोलते हैं, एक रैंकिंग अच्छा है टॉप मोस्ट कंपनीज इन द वर्ल्ड, उनको है 500 बड़ी कंपनीज कौन है, ये होता है रेवेन्यू के हिसाब से सबसे ज्यादा सेल किंग की है। उसको पता है पूरे इंडिया में सिर्फ दो ही कंपनीज है, पूरे इंडिया में दो दो कंपनी कंपनीज है फॉर्च्यून 500 में, और एक है रिलायंस दूसरा है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। तो सबसे बड़ी कंपनी जो इंडिया में सबसे बड़ी कंपनी जो मानी जाती है वो है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, पूरी इंडिया में जो सबसे बड़ी कंपनी है इंडियन ऑयल जिसमें मैं जॉब कर रहा हूँ। उसके बाद प्राइवेट में जो सबसे बड़ी कंपनी मानी जाती है वो है रिलायंस, वो है रिलायंस, रिलायंस इज द लार्जेस्ट प्राइवेट प्रोड्यूसर। और फॉर्च्यून 500 में इंडिया में दो ही कंपनीज है, एक रिलायंस है और उसके बाद रिलायंस ये इंडियन ऑयल है। उसके बाद क्या है, एनर्जी सिक्योरिटी, मतलब आप देखो जियो, बाकी आप देखो कहीं रिलायंस ट्रेंड्स है, रिलायंस जियो मार्ट है, रिलायंस टेलीकॉम है, तो आप देखो कि जियो रिलायंस ने आहिस्ता आहिस्ता इतना डेवलपमेंट कर दिया, आप आज के एक महीने कोई सेक्टर छोड़ा ही नहीं, हर सेक्टर में रिलायंस है बेसिकली, पीछे क्या है ये एक कंपनी है। तो आप भी अगर रिलायंस के मालिक बनना चाहते हो आप शेयर मार्केट में रिलायंस का शेयर खरीद सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। तो इनको मैंने बोला कि पब्लिक कंपनी को एक पब्लिक रिपोर्ट मतलब एनुअल रिपोर्ट जो है वो बनानी पड़ती है, वो आरओसी में भी डालनी पड़ती है और ये अपनी वेबसाइट पर भी डाल दो। जस्ट इनकी वेबसाइट से मैंने एनुअल रिपोर्ट दिखा दी, ये देखो ये रिलायंस की ये है एनुअल रिपोर्ट है, इसमें जस्ट मैं थोड़ा थोड़ा आपको दिखाऊंगा। जो उसका फाउंडर चेयरमैन था धीरू भाई अंबानी, ये बंदा था धीरू भाई अंबानी, और आज की डेट में आप देख सकते हो ये तो धीरू भाई अंबानी था, अगर मैं आपको इधर दिखाऊंगा तो ये धीरू भाई अंबानी था और ये उसका बेटा आज के डेट में मुकेश अंबानी है, ठीक है ना। तो इसमें अगर देखेंगे ये देखो, अगर मैं थोड़ा जूम करूंगा अगर आपको दिख जाएगा अच्छे से थोड़ा आपको समझ आएगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज अ फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनी एंड द लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर कॉर्पोरेशन इन इंडिया। तो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, मतलब प्राइवेट सेक्टर में एक होता है प्राइवेट सेक्टर, दूसरा होता है पब्लिक सेक्टर मतलब पब्लिक गवर्नमेंट सेक्टर। कंपनी, ये प्राइवेट सेक्टर में सबसे बड़ी कंपनी है, ठीक है ना।
अब देखो इंडिया लार्जेस्ट कंपनी है, इसका मार्केट कैप, मार्केट कैपिटलाइजेशन मैं आपको बताता हूँ कि इसके शेयर जो है उनकी मार्केट वैल्यू के हिसाब से कितनी है, इसका रेवेन्यू कितना है, इसकी सेल कितनी की है। रिलायंस ने देखो कितनी सेल की है लास्ट ईयर में, 9,74,864 करोड़, पैसे नहीं रुपीज नहीं करोड़, इसके आगे करोड़ वाले जीरो लगा लो, इतनी इनने सेल कर ली है। इनका नेट प्रॉफिट लास्ट ईयर कितना था, 73,670 करोड़, इतना समझ रहे हो रिलायंस ने कितना प्रॉफिट कमाया, 73,670 रुपीज नहीं करोड़। आगे करोड़ आगे देखो कितने जीरो और लगाने, इतने करोड़ इनने प्रॉफिट कमाया। कितने एक्सपोर्ट किया इन्होंने, 3,40,000 करोड़ इनने एक्सपोर्ट कर लिया। हायर्स कितने नए एम्प्लॉय इन्होंने खरीदे, ठीक है ना, और ये सारी चीज सीएसआर में कितना खर्चा किया इन्होंने लोगों पे, ये इनकी कंपनी के बारे में थोड़ा बोल दिया इन्होंने। किस किस में है रिलायंस आज की डेट में, रिटेल में है। फिर क्या करते हैं, एक मेन कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज, नीचे सब्सिडीज क्रिएट करती हो इंटरनेट के लिए, मतलब टेलीकॉम है, टेलीकॉम के लिए अलग सब्सिडी क्रिएट कर दी, बट 100% शेयर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के होते हैं, और बट उस रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर फिर लोग पब्लिकली खरीदते रहते हैं। आप भी चाहते हो, मैं भी हूँ, मेरे पास भी कुछ रिलायंस के शेयर है, इस तरीके से मैं भी रिलायंस का मालिक हूँ, बट मैं 5 शेयर का मालिक हूँ, तो थोड़ा सा परसेंटेज का मालिक हूँ। मुकेश अंबानी सबसे मेजर शेयर उसी के पास थे, क्योंकि जिसके पास जब कल को डिसीजन लेगा होगा कंपनी का कैसे लेंगे, तो शेयर होल्डर्स की मीटिंग होगी, तो सबसे ज्यादा शेयर जिसके पास होगा उसकी बात मानी जाएगी, तो मुकेश अंबानी ने फैमिली को मिला के 50% से ज्यादा शेयर अपने पास रखे होते हैं। रिटेल में भी है, आप देखते हो चाहे गुड्स हो या ग्रोसरी हो, ये बोलो या कपड़े बोलो, सब जगह आपको रिलायंस के मिल जाएंगे। फिर आप देखते हो कि ये डिजिटल सर्विस में भी है, मतलब चाहे आप देखोगे क्या बोलते हैं इसको, आप जियो के बारे में देखो ना कितना रेवोल्यूशन लाया जियो ने, जियो फाइबर, ये सब चीज में न्यूज एंड एंटरटेनमेंट है, इनकी अपनी टीवी चैनल्स भी है, जियो रिलायंस की अपनी टीवी चैनल्स में बड़ी बड़ी न्यूज चैनल इनकी अपनी है, ऑयल में भी है, पेट्रोलियम सेक्टर में भी, केमिकल्स में, तो हर जगह ये लोग छाए हुए हैं। तो थोड़ा आपको आइडिया मिला किस तरह से एक बंदे ने स्टार्ट किया था विद द आइडिया कि मैं कंपनी बनाऊंगा, और आज की वो कितनी बड़ी कंपनी बनी है, अगर वो इंडिविजुअली कर लेता तो इतना पॉसिबल नहीं था उसके लिए। थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया मिल गया कंपनी के बारे में, जी सर, तो मैं अपनी कंपनी के बारे में आऊंगा, आयुसीएल के बारे में भी आपको थोड़ा सा जल्द दिखाता हूँ, अगर आयुसीएल की वेबसाइट खुल गई यहाँ पे, तो IOCL.com, द एनर्जी ऑफ इंडिया, ये हमारा टैग लाइन है कि हम इंडिया की एनर्जी बनना चाहते हैं, इंडिया को जब भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, चाहे इन द फॉर्म ऑफ पेट्रोल हो, डीजल हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, हम चाहते हैं कि हम सारी एनर्जी जहां पर तो भी चाहिए होगी वो देंगे। ये देखो इंडियन ऑयल की, इंडियन ऑयल के पास वेबसाइट है, अबाउट अस इंडियन ऑयल क्या है, हु वी आर इंडियन ऑयल क्या है, अबाउट इंडियन ऑयल पढ़ो इसके बारे में। देखो फॉर्च्यून 500 में भी इंडिया इंडियन ऑयल में 34th, 94th नंबर पे है, ये है ना टॉप 100 में इंडिया में दो ही है, एक इंडियन, एक रिलायंस है और दूसरा इंडियन ऑयल है। एनर्जी ऑफ इंडिया हम अपने आप को टैगलाइन बोलते हैं, एनर्जी ऑफ इंडिया है, तो ये भी गवर्नमेंट ने बना दी थी कंपनी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन बना दी गई थी, फिर जाके उसके मेजोरिटी शेयर जो है वो गवर्नमेंट के पास है। इनको बोलते हैं जो गवर्नमेंट की कंपनीज होते हैं उनको बोलते हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, क्या बोलते हैं पब्लिक पब्लिक सेक्टर सेक्टर अंडरटेकिंग, जो अंडरटेकिंग। गवर्नमेंट की अपनी कंपनीज होती है। तभी मुझे कोई बोलता है जैसे आप गवर्नमेंट जॉब तो प्राइवेट जॉब, तो वो एक कंफ्यूजिंग का आंसर देना पड़ता है कि है तो कंपनी की जॉब है, गवर्नमेंट जॉब नहीं है, बट ये गवर्नमेंट कंपनी है, ठीक है ना, तो मोरल वैसा होता है। तो मैं एक गवर्नमेंट कंपनी में जॉब करता हूँ, इंडियन ऑयल रिसर्च, ये इंडियन ऑयल के बारे में कुछ फीचर है, तो अब हम अपने टॉपिक पे वापस आ जाते हैं, ठीक है ना। तो मोटा मोटी जो मुझे देनी थी आपको इन्फॉर्मेशन, आई होप मैं उतनी दे पाया आपको, अब हम अपने टॉपिक पे वापस आ जाते हैं, ये थोड़ा सा बेसिस बनाने के लिए। एंड आई विल सजेस्ट कि आप थोड़ा थोड़ा शेयर मार्केट के बारे में भी थोड़ा सा इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर लो, थोड़ा सा ज्यादा नहीं कि आपकी पढ़ाई हैम्पर हो जाएगी, बट थोड़ा थोड़ा आप करोगे तो आपको समझ आएगा कंपनी कैसे चलती है, ठीक है ना। जी दोस्तों सर। देखिए चलो, अब एक कंसेप्ट है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, काइंड ऑफ कंपनी, मैं उसमें नहीं जाता हूँ अभी, क्योंकि मैंने आपको मोटा मोटी जो समझाना है वो अब मैंने आपको बोला है कि जब हमारा प्रैक्टिकल ये सब चीज अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम थ्योरी की अलग से क्लास देंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम पार्टनरशिप एंड कंपनी, वो सारा करेंगे। अभी भी मुझे जो एग्जाम के लिए या आपकी बेस बनाने के लिए, सॉरी आपकी बेस बनाने के लिए जो इंपॉर्टेंट है, अभी मैं आपको उतनी थ्योरी बताऊंगा, आपको अभी बुक नहीं देखनी है कि नतीश सर ने ये छोड़ा है वो छोड़ा है, ठीक है, हमेशा आप बेस बनाओगे, तो इसलिए मैं कुछ चीज स्किप करूंगा, आप मेरे छोड़ो। तो मेजरली आपको जो समझना है कंपनीज तीन तरह की है, ठीक है, एक मैंने आपको बताया था वन पर्सन कंपनी, दूसरा बोला मैंने आपको बोला प्राइवेट कंपनी, तीसरा मैंने बोला आपको पब्लिक कंपनी, ठीक है ना। वन जी सर, पर्सन कंपनी मतलब क्यों बनाएगा, एक बंदा, एक ही बंदा है, वो चाहता है यार मेरे को कंपनी बनानी है, क्यों, मैं चाहता हूँ कि भाई मेरी लाइबिलिटी लिमिट हो जाएगी, बट
बट मैं नहीं चाहता हाँ कोई और बंदा भी मेरा शेयर होल्डर बने, तो उसमें वो 1% क्या करेगा, ओपीसी बनाएगा, 1% कंपनी। अगर हम चाहते हैं कि नहीं हम कंपनी बनाना चाहते हैं, लिमिटेड लाइबिलिटी रहनी चाहिए, बट अकेले मैं नहीं कर सकता, बट मेरे को पब्लिक को भी किसी को भी एरे करे बंदे को नहीं बोलना कि तू आ जा, तो उसके मैं क्या बनाता हूँ प्राइवेट कंपनी जिसमें मिनिमम 2 होंगे मैक्सिमम 200। अगर मैं चाहता हूँ कि यार मेरे को बड़े लेवल का काम करना है, कोई भी आ जाए मेरी कंपनी का शेयर होल्डर बन जाए, उस केस में मैं क्या करता हूँ पब्लिक कंपनी जिसमें मिनिमम 7 होते हैं और मैक्सिमम इन्फिनिटी होता है, कितने भी मेंबर हो सकते हैं, ठीक है ना। इसका फिर प्रोसीजर मैं बस अभी आपको इतना याद रखना है, और कुछ अभी याद रखने की जरूरत नहीं, ठीक है ना। प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी के बारे में जो डिफरेंस होता है उसको मैं आ जाऊंगा। सबसे पहले मैं हम कोशिश करेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम पहले क्योंकि वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़ रहे हैं, हम जरा समझने की कोशिश करेंगे पार्टनरशिप में और कंपनी में क्या फर्क है मोटा मोटी। हर कोई बच्चा मुझे एक एक डिफरेंस बोले पार्टनरशिप और कंपनी में, आप ऐसे मुझे बता दो कोई। मेंबर्स का डिफरेंस है, हाँ मेंबर्स का डिफरेंस है तो बताओ, लाइबिलिटी में भी है, नहीं नहीं बताओ ना, एक ही पॉइंट है, मेंबर्स का डिफरेंस क्या है। यहाँ पे मिनिमम 2 होंगे, हाँ मैक्सिमम 50 होंगे। 50 कंपनी, यहाँ पे ऐसा नहीं है, अगर ओपीसी है तो 1 होगा, प्राइवेट होगा तो 2 से 200 होगा, और पब्लिक पब्लिक है होगा तो तो 700 से 800। 700 से 800। तो एक आपने बताया, अब आप क्यों करके बैठेंगे। अब कोई और बच्चा मुझे बताएगा और कोई डिफरेंस पार्टनरशिप और कंपनी में। अबे अभी तक तो मैंने बता दिया ना कंपनी क्या होता है, पार्टनरशिप आपने यार भी बताया, अब मुझे बताओ और फिर से लाइबिलिटी की बात लिमिटेड अगर करेंगे। लाइबिलिटी की जब बात करते हैं तो यहाँ पे अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है पार्टनरशिप में, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, और कंपनी में लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। और कोई, चलो मुन्ना साहब आप भी अगर कुछ बताना चाहोगे। एक्ट की बात अगर करेंगे, यहाँ पे एक्ट कौन सा आता है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 1932, यहाँ पे कंपनीज एक्ट 2013। 13 और कोई बच्चा कोई भी डिफरेंस, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। बेस बहुत सही बोला, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो है नॉट मैंडेटरी, यहाँ कंपलसरी है। मैं ना परपेचुअल सक्सेशन है ना, वो भी है ना कि इससे फर्क नहीं परपेचुअल पड़ता है। सक्सेशन जो है इसमें नहीं है, इसमें है। सेपरेट एंटिटी, बहुत अच्छा, कंपनी ओनरशिप सेपरेट लीगल चार्ज, एंटिटी, ये नहीं है, ये है ओनरशिप और मैनेजमेंट, यहाँ पे सेम है, यहाँ पे मे बी डिफरेंट, इस तरीके से बहुत सारी फर्क है, ठीक है ना। और कैपिटल की बात है, पार्टनरशिप में आप बढ़ाना चाहते हो आपकी मर्जी से पूर्ण कितना देगा, बट यहाँ पे आप कंपनी में डायरेक्टली नहीं बढ़ा सकते हो कैपिटल, आपको ऑथराइज कैपिटल जो है पहले आरओसी में रजिस्टर करनी पड़ेगी, ठीक है। और भी कुछ बाकी है वो आप देख लेना, नंबर मैंने आपको बता दिया ऊपर। पार्टनरशिप में आप ऐसे ही अपना शेयर किसी को नहीं दे सकते, बट आप कंपनी में दे सकते हो अपना शेयर किसी को, ठीक है ना। पार्टनरशिप में आप तभी दे सकते हो जब बाकी पार्टनर भी माने गए। मैं पार्टनर था, मैं और ताहिर था, आज मैं ताहिर को बोल रहा हूँ 2 साल बाद यार मैं नहीं करूंगा, मेरा भाई पार्टनर रहेगा, ताहिर मानना चाहिए ना, किसी को भी थोड़ी पार्टनर बनाएंगे। बट कंपनी में ऐसा नहीं है, मैंने अपने शेयर बेच दिए किसी को, कोई बंदा मुझे कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है ना। तो फॉर्मेशन ऑफ कंपनी भी मैंने आपको थोड़ा थोड़ा बता दिया, सबसे पहले प्रमोटर होते हैं जिनके पास आइडिया होता है वो सब कुछ कर लेते हैं कि नाम क्या रहेगा, क्या चीज रहेगा, ये डॉक्यूमेंटेशन सब कुछ एमओए एओए सब कुछ बना लेते हैं, फिर कंपनी इनकॉर्पोरेशन के लिए आरओसी के रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं, वो सारा चीज हो जाता है, और उसके बाद फिर क्या होता है सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट ऑफ बिजनेस इनको मिलता है, ठीक है ना। अब हमें मेन चीज पे आना है जिसके हमें अकाउंटिंग करते हैं, वो है शेयर्स। और उससे पहले मैं और चाहता हूँ कि मैं आपको थोड़ा सा और कुछ दिखा दूँ आरओसी वारोसी के बारे में, ठीक है ना। और मैं शुक्र सांझी फजूल तो मैं जो बताइए सार फजूल हवा, नो सर, मैं आपको कुछ चीजें दिखाऊंगा। एक मैंने आपको कल एमसीए बोला था, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, जो इस सब चीज को हैंडल कर ले, ठीक है ना। ये देखो MCA.gov, ठीक है ना, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की अपनी एक वेबसाइट है जो क्या करता है एम्पावरिंग बिजनेस, क्योंकि कंपनी जितनी ज्यादा बन जाएंगी उस तरह से इंडिया में बिजनेस डेवलपमेंट बन जाएगी, प्रोटेक्टिंग इन्वेस्टर। अब इसमें क्योंकि कंपनी में लोग पैसा लगाते हैं
उनको इन्वेस्ट बचाने के लिए कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो ये रेगुलेटर है, ये कंपनी को रेगुलेट कर लेता है, इंटीग्रेटर है, फैसिलिटेटर है, एजुकेटर है, लोगों को क्या करता है, एजुकेट करता है कि भाई आपको कहाँ पैसा क्या क्या चीजें ख्याल रखना है। आप देखो ये शेयर मन की बात दिशा सब ठीक हो जाए, नजर ठीक हो जाए, फिर ये बोलता है अगर आपको कंपनी रजिस्टर करनी है तो आप इस पे क्लिक करो। क्या करो, अगर आपको कंपनी रजिस्टर करनी है ना, मुझे लगता है मैंने अपनी रजिस्टर कंपनी करी, तो मैं इस पे जाऊंगा रजिस्टर। आपको दिख रहा है ना ये स्क्रीन, हाँ सब दिख रहा है। यहाँ पे बोल रहा है कि आप कैसे अपनी कंपनी को रजिस्टर कर सकते हो। ठीक है, बोलता है क्या करना है, एमसीए में आपको लॉगिन करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, डिजिटल सिग्नेचर होना चाहिए, जो डायरेक्टर है उसके डिजिटल सिग्नेचर आपको बनाया है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको बता दें। अप्लाई फॉर डीन, तो पहले आप डायरेक्टर एडमिशन नंबर बनाओगे। मास्टर डाटा में आप देखोगे कि भाई कंपनी का नाम जो मैं चाहता हूँ वो है कि नहीं है। ठीक है ना, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। उसके बाद फिर आप क्या करोगे, कंपनी के लिए अप्लाई करोगे। कंपनी के फॉर्म्स क्या होते हैं वो भी आपको यहाँ से दिख जाएंगे। ये सारे फॉर्म्स है जो कंपनी को चाहिए होती है। जैसे मैं फिर इधर देखूंगा कंटेक्ट ऐसे अबाउट एमसीए एक्स एंड रूल्स, ये देखो आपको पूरा कंपनी एक्ट ही निकल जाएगा। देखो क्या लिखा है, द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इज प्राइमरी कंसर्न विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 एंड दिस द लाइबिलिटी, और एलएलपी को जो है उसको भी यही गवर्न करता है, कौन, एमसीए कर लेता है। आप इसमें एक्ट की बात है, अगर आपको कंपनीज एक्ट 2013 पढ़ना है, कंपटीशन एक्ट पढ़ना है, ये सारे एक्ट की पीडीएफ आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है ना, जी सर, मैं थोड़ा थोड़ा और दिखाता हूँ। जो आपके अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड होते हैं ना, जो कंपनीज को फॉलो करने होते हैं, वो भी एमसीए ही गवर्न करता है। कौन करता है, वो पीछे वो बैकएंड पे इंडियन, और ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया आईसीए बनाता है, बट उसको जो फिर पब्लिक में डालती है कौन, एमसीए डाल देती है। ठीक है ना, जो भी ये फिर कंपनी में कुछ भी अमेंडमेंट्स होते हैं कंपनी एक्ट में, वो सारी चीजें एमसीए ही करता है। ठीक है ना, इनके पास अपनी टीम होती है वो सारा चीज करके। आपको अगर किसी भी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट निकालनी है, आपको यहाँ से एनुअल रिपोर्ट से मिल जाएगी। ठीक है ना, तो ये तो इसकी एनुअल रिपोर्ट है एमसीए की इन इटसेल्फ, बाकी चीज जगह भी आपको मिल जाएगा। आरओसी इंफॉर्मेशन, लिस्ट ऑफ कंपनी स्ट्रक बाय आरओसी, अगर आरओसी ने किसी कंपनी को फिर हटा दिया, कोई कंपनी काम वाम नहीं कर रही जो भी है, तो उसको फिर वो क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल नहीं कर रही है, किसी को डिबार कर रही है, तो उन सबका लिस्ट यहाँ से आ जाता है, फिर उनको हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है ना, एक और मैं लिंक दिखाऊंगा। अगर मैं किसी कंपनी का नाम देखना है कि वो कंपनी है कि नहीं, मैं यहाँ से देख सकता हूँ। जैसे मैं देखूंगा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, अगर कुछ एरर होगा तो अलग बात है, नहीं दिखेगा, अदरवाइज यहाँ से दिख जाएगा। ये दिखा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तो ये नेम सर ऑलरेडी मिला है कंपनी को, ये इसका सिन नंबर मिल गया, ये इंडियन ऑयल का CIN नंबर है। इस तरह से आप किसी का भी देख सकते हो। ठीक है, जी सर सर बोलो बेटा। सर आपने कहा ना जो अमेंडमेंट्स होते हैं कंपनी में, वो कौन लाता है सर, किसमें होता है मिनिस्ट्री सर? ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ही लाती है, सर तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में भी हम अमेंडमेंट लेके आ सकते हैं, नहीं नहीं वो और तो कंपनी की अमेंडमेंट होगी ना, कि मैं कंपनी की, मैं दो चीजें, मैं आप मेरा पॉइंट नहीं समझे, मैं क्या बोल रहा हूँ, कंपनीज एक्ट में अगर कोई अमेंडमेंट लानी है, ये रेगुलेटर है ना एमसीए, कि भाई तुम्हें क्या करना है, कंपनीज एक्ट की बात करें, कंपनीज एक्ट 2013 बोलता है कि अगर आपको कंपनी बनानी है तो आपको क्या क्या चीजें पालन, क्या क्या रूल्स फॉलो करने हैं। कंपनीज एक्ट तो गवर्नमेंट बनाती है ना, जो आप बोलते हो वो है कि मैंने कंपनी बना ली है, लतीफ ने एजी गार्मेंट्स खोले, आप उसका एमओए है या एओए, उसमें कुछ चेंज करना हो तो ऑब्वियसली मैं ही करूंगा। मैं बोल रहा हूँ कंपनीज एक्ट जो है, जैसे इनकम टैक्स एक्ट है, ये सारे एक्ट कौन है, ये गवर्नमेंट लाती है, और कंपनीज एक्ट कौन लाती है, एमसीए लाती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स बनाती है वो। ठीक है ना, उसका बाध्यता रहता है, सर पार्लियामेंट वार्लियामेंट वो सब चीज आती है, ऐसा नहीं होता डायरेक्टली करना है। डिफरेंस क्या है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में? 12th के लिए आपको मतलब उतना डेप्थ में जाना नहीं है, बट तुमने छेड़ लिया तो मैं उसको बता देता हूँ। एक मिनट से मुझे अपने नोट पे वापस आने दो, मैं उधर ही दिखा देता आपको। इसने बच्चे ने पूछा, तो ये कंपनी जब बनाते हैं ना, तो इसको दो चीजें बनानी होती है, एक होता है एमओए,
दूसरा होता है एओए, ये आप आगे जाकर डिटेल में पढ़ रहे। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मोटा मोटी बोलते हैं ये कंपनी क्या होगी, इसके 6 क्लॉज होते हैं। मैं अगर आपको किसी कंपनी का एमओयू दिखाई देता हूँ, इसमें सिर्फ 6 क्लॉज होते हैं। जब हम पढ़ते थे सीए फाइनल में, आज की डेट में आपको पता कुछ चेंज हुआ होगा। इसमें 6 क्लॉज होते हैं कि कंपनी का नाम क्या रहेगा, सिर्फ 6 क्लॉज रहते हैं। एमओए ऑफ एनी कंपनी, देखो ये कंपनी है इंफोसिस, इसका मैंने एमओए निकाल दिया, ये इसका सर्टिफिकेट इंकॉर्पोरेशन है, दिख रहा है सबको? जी सर। ये देखो इसको इंफोसिस कन्वेंशन लिमिटेड इन द डे इंकॉर्पोरेट अंडर द कंपनी कब 1950 का मुंबई में ये रजिस्टर्ड हो गई है, ठीक है ना। 2 जुलाई 1981 तो 1981 में ये कंपनी रजिस्टर हो गई है, इंकॉर्पोरेट हो गई है, ठीक है। ये इसको सर्टिफिकेट ऑफ इंफॉर्मेशन मिल गया। अब क्या देखना है इसका, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक है ना। ये देखो इसमें सिर्फ 6 क्लॉज होते हैं, क्या होते हैं 6 क्लॉज होते हैं। एक क्लॉज होता है उसको बोलते हैं नेम क्लॉज, इस कंपनी का नाम क्या रहेगा, तो नेम क्या है इसका, इंफोसिस लिमिटेड। दूसरा होता है रजिस्टर्ड ऑफिस, इसका ऑफिस किस स्टेट में रहेगा, स्टेट ऑफ कलकत्ता। इसके ऑब्जेक्ट क्या होंगे, मेन ऑब्जेक्ट इसका क्या होगा, इसका मेन ऑब्जेक्ट होगा ये ऐसा बिजनेस करेगा कम्युनिकेशन, ये सब चीज में बिजनेस करेगा। और इंसिलरी ऑप्शन इसका क्या रहेगा, तो मेजरली इसका बोला वर्क जो इसका होगा काम वाला वो इसने रखा, ठीक है ना, क्या क्या काम करेगी ये। और उसके बाद होता है सब्सक्रिप्शन क्लॉज, कि इसमें जो बंदे पैसे लगाए वो कौन है और कितना लगा लिया है। जैसे एक है एन आर नारायण मूर्ति, नारायण मूर्ति, इसने एक शेयर लिया है। एल एस राघवन, इसने एक और उसने चार, ये सब उस वक्त उनके इनिशियल सब्सक्राइबर्स थे, ठीक है ना। अब देखो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ना डिटेल में लिखा होता है कि क्या क्या कर सकते हैं, पूरा डिटेल में लिखा होता है। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है देखो कितना डिटेल में लिखा है, प्रेफरेंस शेयर अगर इशू करेंगे तो कैसे करेंगे, अगर एक कॉल्स प्लेस करेंगे तो कब प्लेस करेंगे, क्या काम करेंगे, और डिटेल में अगर शेयर ट्रांसफर करने हैं तो कौन कर सकता है, क्या करेंगे, तो वो बहुत डिटेल में होता है। मेमोरेंडम एसोसिएशन में मोटा मोटी बोलता है नाम क्या रहेगा, काम क्या रहेगा, कौन सब्सक्राइबर है, ये 6 क्लॉज रहते हैं। मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, आज से 7 साल पहले मैं पढ़ा हूँ। नेम क्लॉज रहता है, रेजिडेंस क्लॉज रहता है, कैपिटल क्लॉज रहता है, मेंबर क्लॉज रहता है, ऑब्जेक्ट क्लॉज रहता है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन फिर आपको जो भी कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन लग रहे हैं ना वो आप फिर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में रखते हो। आई होप ताहिर आपको समझ आ गया है, ठीक है, यस सर, यस आवाज समझ। आर्टिकल्स बिल्कुल सर। ऑफ एसोसिएशन जो है ना बहुत डिटेल में होता है, तो मैं बोल रहा हूँ थोड़ा थोड़ा आप इंटरेस्ट दिखा दो इसमें ना, कंपनीज के बारे में पढ़ने वढ़ने में बहुत जल्दी आप मैच्योर हो जाओगे एज कम्पेयर टू बाकी बच्चे, ठीक है। अब हम वापस आएंगे अपने मेन टॉपिक पे, मुझे लगता है जो मुझे बेस देनी थी बहुत हद तक आप लोगों को समझ आ गया। अब हम मुद्दे की बात पे आए हैं, जो ये कंपनी है ना, अब इसको कंपनी को चाहिए, कंपनी तो बन गई रिलायंस, इसने तो कंपनी बना दी रिलायंस। अब इस रिलायंस कंपनी जो बन गई इसको काम करने के लिए पैसा चाहिए, काम करने के लिए पैसा, इन्होंने बोला कि ये कंपनी है, ये इसके डायरेक्टर वायरेक्टर रहेंगे जो भी है। भाई रिलायंस जो धंधा करेगी उसके लिए पैसे चाहिए ना, तो ये पैसा उठाएगी पहले। वहां पे जब सोल प्रॉपर्टी बिजनेस करते तो ओनर पैसा देता था, पार्टनरशिप में वो दो पैसे पैसा लेते थे, लोन लेते थे, वैसे करते। अब रिलायंस जो पैसा लेगा इसके लिए क्या करेगा, वो शेयर इशू करेगा, क्या करेगा, इशू शेयर्स शेयर इशू। इशू करेगा। तो रिलायंस विल इशू द शेयर, जो मैंने आपको कल दिखाया था, ये इनको बोला कि 10-10 रुपए के आपका शेयर है, जिसको खरीदना है वो आके हमें पैसे दे। तो ये कंपनी क्या करेगी, लोगों को शेयर दे और लोग क्या पैसा दे देंगे। सपोज मैंने ये शेयर ले लिए, आप इसी तरह से मैंने 1 लाख शेयर ले लिए, तो मेरे पास एक सर्टिफिकेट मिलेगा कि आपने हमारी कंपनी में 1 लाख शेयर लगा का इन्वेस्ट कर दिया है। तो मेरे को एक शेयर सर्टिफिकेट मिलेगा, ये लतीफा सर्टिफिकेट है, इसके पास इंडियन ऑयल के या रिलायंस के इतने शेयर हैं जिनकी वैल्यू इतनी है। तो मैंने रिलायंस कंपनी को क्या किया, कितना दिया, 1 लाख शेयर का 10-10 रुपया, 10 लाख रुपया दे दिया। तो यहां पे मैं हूं लतीफ, यहां पे रिलायंस है, मैंने इसको क्या दिया, ₹10 ने 10 लाख मुझे क्या दिया, एक सर्टिफिकेट दे शेयर। दिया, शेयर सर्टिफिकेट दे दिया, जिसमें लिखा है कि आई एम ओनर ऑफ 1 लाख शेयर ऑफ ₹10 ईच, ठीक है। तो मेरे पास शेयर सर्टिफिकेट है,
कल को मैं चाहूँ तो इसको बेच सकता हूँ मार्केट में या जो भी होगा, और रिलायंस के पास पैसा आ गया। उसके बाद रिलायंस की बैलेंस शीट कुछ इस तरह से, यहाँ पे इनके बैंक में आ गए हैं 10 लाख रुपए, यहाँ पे इनकी शेयर कैपिटल है 10 लाख रुपए, और फिर 10 लाख से ये काम करेंगे। कौन काम करेंगे? यहाँ पे डायरेक्टर है, उनके नीचे फिर एम्प्लॉयज है, वो काम करेंगे, तो कंपनी काम करती रहेगी। उसके बाद साल के बाद क्या होगा, ये कंपनी अपना प्रॉफिट लॉस बनाएगी, बैलेंस शीट बनाएगी, और कंपनी के पास हो जाएगा प्रॉफिट, कंपनी को प्रॉफिट हो जाएगा। ये प्रॉफिट किन का है? ये शेयर होल्डर का है, मालिकों का है। तो कंपनी इस प्रॉफिट से अगर चाहेगी तो क्या देती है फिर इनको? डिविडेंड देती है। क्या देती है? डिविडेंड देती है। प्रॉफिट का अगर आप चाहोगे, आप अपने शेयर होल्डर को कुछ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट चाहोगे ना, मैंने रिलायंस में पैसा लगा लिया, रिलायंस में तो मैंने पैसा लगा लिया, अब मैं चाहूंगा ना कि यार अगर मैं खुद बिजनेस करता तो हर साल मुझे कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिलता, यहाँ तो कंपनी को प्रॉफिट मिल रहा। तो अब कंपनी क्या करती है, कंपनी इंटर्न क्या करती है, उस पैसे को या तो आगे इन्वेस्ट करेगी, या तो वो चाहेगी कुछ पैसा शेयर होल्डर को इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड देती है। क्या देती है? इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। तो कंपनी क्या करती है फिर, प्रॉफिट में से डिविडेंड देती है। जैसे कंपनी के पास दो, सपोज 10 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, तो उसमें इन्हें बोला कि यार हर शेयर होल्डर को हम हर शेयर को एक शेयर के अगेंस्ट में हम 1 रुपया देंगे। अब मेरे पास 1 लाख शेयर है तो मुझे कितना देगी कंपनी? 1 लाख रुपया। तो कंपनी डिविडेंड देगी, मेरा ले वो फायदा हो जाएगा, उसके अकाउंट में क्या होगी वो आप आगे पढ़ोगे। तो समझ आया मोटा मोटी कंपनी में कैसे कमाएगा वो बंदा? तो एक तो इस तरीके से कमाएगा कि कंपनी जो प्रॉफिट कमाएगी उसमें वो फिर कुछ पैसा शेयर होल्डर को देगी इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। ठीक है, एक तो ये होता है। और दूसरा क्या होता है, जो एक कंपनी प्रॉफिट वॉफिट कमाती है, जितना कंपनी बढ़ जाएगी इस कंपनी की वैल्यू बढ़ती है। क्या बढ़ती है? वैल्यू। वैल्यू। अभी जो मैंने आपको दिखा दिया था, पहले पहले एग्जाम्पल में जब मैं आपको दिखा दिया था कि कंपनी के पास 10 लाख रुपया पैसा है, और ये पैसा पीछे 10 लाख रुपया लोगों से आया है, तो अगर आप बोलोगे लतीफ के पास कितने शेयर है? 1 लाख शेयर 10 रुपए के। ठीक है, तो एक तो मैं हूँ, इसी तरह से बाकी लोग भी है, सपोज इस तरह से और 10 लोग हैं, तो यहाँ पे बैंक में आ गया 1 करोड़ रुपया, और यहाँ पे ये लोगों का पैसा है 1 करोड़ रुपया। ठीक है, इसके बाद कंपनी ने प्रॉफिट कमाया, कंपनी ने बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाया, तो पोजिशन कुछ इस तरह से बन गई। इसके बाद बैलेंस शीट कुछ इस तरह से बन गई है, मैं आपको मोटा मोटी समझा दूंगा। शेयर कैपिटल तो वही 1 करोड़ है, कंपनी ने बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाया, कंपनी के अब एसेट जो है वो 20 करोड़ हो गए। क्या हो गए? 20 करोड़। और इसके जो रिजर्व एंड सरप्लस है वो हो गए हैं सपोज 15 करोड़, और इसके जो लोन है वो है 4 करोड़, टोटल 20, टोटल 20। अब अगर आप देखोगे 20 करोड़ में से 4 करोड़ तो उधार है, 20 माइनस 4 करोड़ पीछे कितना बचा? 16 करोड़। पीछे 16 करोड़ है ना अब एसेट्स, नेट एसेट जो कंपनी के पास है 16 करोड़ है, वो किन का है? वो इन मालिकों का है। तो आप बता सकते हो अगर 16 करोड़ अब जो 1 करोड़ था वो कितना हो गया, जो लोगों ने 1 करोड़ लगाया था वो अब कितना हो गया? 16 करोड़ हो गया। तो जहां मैंने 1 लाख लगा दिया था मेरा कितना फायदा हो गया? 16 लाख हो गया। जो मैंने 1 लाख लगाया था उसकी वैल्यू अब कितनी हो गई है? 16 लाख रुपया। सिक्सटीन तो दूसरे तरीके से मेरा फायदा कैसा होगा, जो मेरा शेयर आज की डेट में सिर्फ 1 लाख का था, अगर मैं इसको बेचूंगा मैं दूसरे बंदे को बोलूंगा भाई मैं आज की डेट में अगर कंपनी बंद हो जाएगी तो मुझे कितना मिलेगा? मुझे तो 16 लाख मिलेगा ना अगर मैंने 1 लाख लगाया था, क्योंकि कितना वैल्यू बढ़ गया है, जो 1 करोड़ था उसपे 15 करोड़ प्रॉफिट कमा लिया, और वो 1 करोड़ अपना है, टोटल 16 करोड़ है ना, ये 1 करोड़ इधर, 1 करोड़ लगा था ये 15 करोड़ भी इधर है, तो टोटल 16 करोड़ हो गया ना, वो 1 करोड़ आज की डेट में 16 करोड़ हो गया। तो अगर ये कंपनी आज बंद हो जाएगी तो मुझे तो 1 लाख के बदले 16 लाख तो मिल जाएंगे ना, तो इस शेयर की वैल्यू बढ़ती है। तो दो तरह से आपका फायदा होता है, एक तो आपको डिविडेंड मिलेगा चाहे कंपनी देगी, नहीं तो वो पैसा भी इन्वेस्ट हो जाएगा, इन्वेस्ट होगा तो इस शेयर की वैल्यू बढ़ती है। तो आपको समझ आया कि शेयर की वैल्यू कैसे बढ़ती है? जो आपने अभी देखा था कि रिलायंस का मार्केट कैप जो मैंने आपको दिखाया था पता नहीं 3.5 लाख करोड़ था, वो कैसे था? रिलायंस के शेयर मार्केट कैप कैसे होता है? नंबर ऑफ शेयर्स इंटू मार्केट वैल्यू। ये शेयर जो है ना फिर मार्केट में ट्रेड होते हैं, आप उसको देख सकते हो कि आज मार्केट में शेयर कितने में बिक रहा है। इंडियन ऑयल का शेयर आज के में 90 में बिक रहा है, तो इंडियन ऑयल का टोटल शेयर कितने हैं? इंटू 90 इज द मार्केट कैप। ठीक है, एक होता है फेस वैल्यू ऑफ द शेयर, ये शेयर का फेस वैल्यू है, ये 10 रुपए का था, बुक वैल्यू इसका अभी आज की डेट में 160 हो गया है, क्योंकि अगर आज की डेट में ये 16 करोड़ रुपीज है, 16 करोड़ है, और ये टोटल शेयर 10 लाख, तो पर शेयर की वैल्यू कितनी आई? बुक वैल्यू 160। क्या
एसेट के हिसाब से इसकी वैल्यू 160 है, बट मार्केट में ये इससे ज्यादा भी बिक सकता होगा, क्योंकि लोग बोलेंगे नहीं इसकी और ज्यादा वैल्यू है, या कम भी हो सकती है। वो जो मार्केट वैल्यू होती है उसको बोलते हैं मार्केट प्राइस। तो एक शेयर की तीन वैल्यू होती है, एक होती है फेस वैल्यू, दूसरा होता है बुक वैल्यू, तीसरा होता है मार्केट वैल्यू। तो मार्केट में ये कितने में बिक रहा है, क्योंकि आज की डेट में बुक्स में इसका 160 है, बट लोगों को लगता है इससे और फायदा होगा, तो मार्केट में ये ज्यादा में बिक सकता है। सपोज ये 200 रुपया मार्केट वैल्यू। ये तीन चीजें समझ आए आपको, फेस वैल्यू ये कितने में था जब इसको इशू किया गया, आज के डेट में बुक्स में कितनी वैल्यू, बुक्स में वैल्यू कितनी होगी, नेट एसेट्स आपके कितने बचे हैं डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ शेयर्स कितने कंपनी को, तो वो बोलेगा कि एक शेयर की बुक्स के हिसाब से कितनी वैल्यू, और दूसरा ये मार्केट में कितने में बिक रहा है। तो इस तरह से आपका शेयर का वैल्यू बढ़ जाता है। ठीक है, तो कंपनी ये शेयर्स इशू करती है और लोग इसको इन्वेस्ट करते हैं, उनको पैसा मिल जाता है। तो बेसिक बेसिक आपको समझ आया? सर बुक वैल्यू बोले फिर से। बुक वैल्यू क्या है? बुक वैल्यू का मतलब बहुत सिंपल है, मैं आपको बता। पहले समझ आया कि भाई कंपनी में 1 करोड़ रुपया लगा दिया लोगों ने, और वो 1 करोड़ रुपया बिजनेस में पड़ा हुआ। इस 1 करोड़ से आपने बिजनेस कवर कर दिया, आपने प्रॉफिट कमाया, प्रॉफिट कमाया, प्रॉफिट। और आज की डेट में आपके पास जो एसेट्स है ना आप टोटल, वो आपके 20 करोड़ अच्छा, है, 20। मगर इसमें जो लाइबिलिटीज है वो 4 करोड़ है। पीछे कितना बचा? 16 करोड़। हाँ, तो ये 16 करोड़ किन का पैसा है? ये शेयर होल्डर का पैसा है ना। तो हाँ, नंबर ऑफ शेयर आपके कितने हैं? आपने 10 लाख शेयर लगाए थे 10 रुपये के, तो 10 लाख शेयर थे, 10 लाख शेयर थे ना, जो हर बंदे ने 10 10 रुपया लगाया था। तो 10 लाख 10 लाख शेयर आपने दिए थे कंपनी ने लोगों को, उनने 10 10 रुपये दिए थे, वो 1 करोड़ रुपया था। तो नंबर ऑफ शेयर कितने थे? 10 लाख। तो एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी थी तब? 10, और बुक वैल्यू भी 10 थी। आज की डेट में उसकी फेस वैल्यू 10 है, बट बुक वैल्यू कितनी है? 16 करोड़ डिवाइड बाई 10 लाख। नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? 10 लाख। ये काटो, ये काटो, ये काटो, ये काटो, ये काटो, ये काटो, तो वैल्यू कितनी होगी? 16। ये हो गया 160, ये ज्यादा जीरो हो जाएगा ना। 16 करोड़ में कितने जीरो आ जाएंगे? 16 करोड़ अगर डिवाइड बाई 10 लाख हो गया तो 16 आ गई वैल्यू। कितनी आ गई? 16 16। आ गई, 160 आ गई। हाँ 160 आ गई ना, 0 0 कर गया, 160 आ गई। तो बुक वैल्यू आ गई 160, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट के हिसाब से कितनी वैल्यू है शेयर की। कि आज की डेट में अगर ये बिजनेस बंद हो जाएगा, कंपनी बंद हो जाएगी, आपके पास कितने पैसे आ जाएंगे? 16 करोड़ आ जाएंगे। तो हर शेयर के बदले कितना पैसा मिलेगा किसी भी बंदे को? एक शेयर के बदले में कितना मिलेगा? आप बोलोगे यार 16 करोड़ है, कितने शेयर है? 10, तो 0.1 करोड़। तो पर शेयर की वैल्यू कितनी आएगी? 160 करोड़। कि बुक्स के हिसाब से भी कितना मिलेगा उसको? 160 का मालिक है आज की डेट में, है ना, उसको बोलते हैं बुक वैल्यू। और तीसरा होता है मार्केट में, मार्केट में ये शेयर कितने में बिक रहा है, वो एक अलग कंसेप्ट है, उस पर मैं आ जाऊंगा, मैं आपको समझा दूंगा। यहाँ मैंने आपको बेसिक बता दिया शेयर का, अब इसके आगे और जाएंगे तो और एक अलग से टॉपिक जाएगा टाइप्स ऑफ शेयर, तो मैं चाहता हूँ कल के टॉपिक में करा दूँ, अगर आप आज के लिए सेटिस्फाई हो गए बताओ। सर वो तो इजी है, वो तो पिछले साल भी पढ़ा है। वो आपने पढ़ा होगा कहीं और ना, बट मैं एज्यूम करता हूँ किसी ने कुछ नहीं पढ़ा तब भी वो है। इजी है। वो आपके लिए इजी हो सकता है बेटा, मेरे लिए हर कोई बच्चा नया है, उसने कुछ नहीं पढ़ा, तो मुझे बताना है ना, तभी मैं बोल रहा हूँ कि अभी पढ़ना है कि कल पढ़ना है, बस ये मैं पूछ रहा हूँ। कोई तब तक ग्रुप में देखो, सर का कोई मैसेज आया क्या? नहीं बता। हाँ वो बोल रहे थे आप लोगों ने किया था, तो मैंने बोला अभी नहीं हुआ, तो उन्होंने बोला कि सर को बोलो 8:30 तक एक्सटेंड करे, क्योंकि आज कैन ये ना उसकी क्लास कैंसिल होगी। अकाउंट मतलब बिजनेस स्टडीज कल कैंसिल होगी, ठीक है ना, चलो कोई इशू नहीं। तो मैं भी चाहता हूँ कि ज्यादा ना पढ़ा हो, क्योंकि मुझे करना है एक नया टॉपिक स्टार्ट करना है, शेयर जो हमारा मेन टॉपिक है वो करना है। अगर आप चाहोगे तो मैं 10 मिनट और खींच सकता हूँ, बट यही बोल रहा हूँ कि कैपेसिटी अभी है कि नहीं है, जल्दी बताओ। नईम सर ने आपको टेक्स्ट किया है इसमें मीटिंग में, आप देखे? हाँ नहीं सर का मैसेज देखा मैंने, मैं बट आपको अभी बोल रहा हूँ कैपेसिटी है और 15 मिनट पढ़ने की, तो मैं पढ़ा लेता हूँ। यस सर, अभी है। चलो फिर पढ़ लेते हैं। अब ये जो कंपनी इशू करती है ना शेयर, जो 2 तरह के होते, क्या होते हैं? 2 तरह दो के, तरह एक होता है इक्विटी शेयर, दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर। क्या होता है? प्रेफरेंस शेयर। बाकी सब भी बोला करो, एक होता है इक्विटी शेयर, दूसरा होता है प्रेफरेंस, प्रेफरेंस दोनों आर बोथ आर कॉल्ड एज शेयर होल्डर।
होते। अब फर्क क्या होता है, पहले मैं प्रेफरेंस शेयर के बोलता हूँ। बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर वो शेयर होता है जिसको प्रेफरेंस मिलती है, जिसको प्रेफरेंस मिलती प्रेफरेंस है। दो मिलती चीजों में इसको प्रेफरेंस मिलती है, एक अगर आपका प्रॉफिट हो गया और आपने बोला कि हम डिविडेंड देंगे, तो डिविडेंड में सबसे पहले प्रेफरेंस मिलेगी किसको, है प्रेफरेंस प्रेफरेंस शेयर शेयर। होल्डर को। फिर उसके बाद अगर आप डिविडेंड दोगे वो इक्विटी शेयर में, बट सबसे पहले आपको अगर डिविडेंड आपने कंपनी ने डिसाइड किया कि हमारा प्रॉफिट है और हम डिविडेंड देना चाहते हैं, सबसे पहले किसको डिविडेंड मिलेगा, प्रेफरेंस शेयर को मिलेगा, उसके बाद इक्विटी को। दूसरा चीज है, कल को अगर कंपनी बंद हो गई है और अब पैसे देने ना शेयर होल्डर को, सबसे पहले मिलेगा किसको, जब रिपेमेंट की बात आएगी एट द टाइम ऑफ सक्सेशन लिक्विडेशन, जब कंपनी बंद हो जाएगी लिक्विडेट हो जाएगी, वहां पे जब अगर पैसा देने की बात आ जाएगी, अब जो बचा हुआ पैसा वो ओनर को देना है, सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर को देंगे कि इक्विटी शेयर को देंगे, तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर को पैसा मिलेगा, उसके बाद इक्विटी शेयर को मिलेगा। ठीक है, तो सर डिविडेंड प्रेफरेंस देता है ना इनको, प्रेफरेंस फिक्स्ड शेयर नहीं है वो वो। होते हैं जिनको प्रेफरेंस मिलती है दो आस्पेक्ट में, एक डिविडेंड अगर देना होगा सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर को देंगे, उसके बाद इक्विटी शेयर को देंगे, और जब कंपनी बंद हो जाएगी और पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, सबसे पहले देखेंगे कि उतना पैसा है कि प्रेफरेंस शेयर को देना है, अगर है तो पहले प्रेफरेंस शेयर को, उसके बाद जो पैसा बचेगा वो इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा। आप बताओ मुझे आपका क्या डाउट है। मैं बोल रही थी जो इनको डिविडेंड मिलता है ना, ये मिलता है फिक्स्ड रेट पे ना। हाँ, ये इनका डिसएडवांटेज है, मैं उस पर बाद में आ जाता हूँ, बट मैं आपको बताऊंगा अभी आप जैसे हो। अब मुझे बताओ अगर आपको शेयर होल्डर बनना है तो व्हाट विल यू ट्राई टू बिकम, आप इक्विटी शेयर लेना चाहते होंगे कि प्रेफरेंस शेयर लोगे। प्रेफरेंस बाकी इक्विटी बच्चे भी जवाब दोगे ना, तो 4-5 बच्चे तो है क्लास में। सर, इक्विटी प्रेफरेंस, नातिका बोल रही इक्विटी, मुनाजा बोल रही है प्रेफरेंस, प्रेफरेंस तोयबा सर प्रेफरेंस प्रेफरेंस, वाजिद, वाजिद बेटा आप ही बताओ, ताहिर खुद को वही। वाजिद कुछ नहीं बोल रहा है, तो दो ने बोला प्रेफरेंस, एक ने बोला इक्विटी, तो मैं भी जाऊंगा इक्विटी के साथ, तो हम हो गए 2 और 2, बट सिंस मैं आप सबसे बड़ा हूं तो वोट मेरा ही माना जाएगा, तो हम सब जाएंगे इक्विटी में। ठीक है, ठीक अब होता क्या है मैं आपको बताता हूं, देखो क्या होता है, जो ये प्रेफरेंस शेयर होता है ना, इसको बोलते हैं शेयर, इसको ओनर भी बोलते हैं, बट इनको क्या मिलता है, इनको फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है। क्या मिलता है, प्रेफरेंस फिक्स्ड शेयर को क्या मिलता है, फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड। सर ये मत होने ओनर्स ऑफ द कंपनी। ना ना ये नहीं ये होते सर, बोल भी सकते हो बट नहीं भी है, मैं आपको बताता हूँ रीजन भी बताता हूँ आपको, इनको मिलता है फिक्स्ड रेट ऑफ बियर डिविडेंड। सपोज आपने प्रेफरेंस शेयर दिया, उसके साथ रेट ऑफ डिविडेंड लिखा होता है 10% प्रेफरेंस शेयर, क्या होता है 10% टेंथ प्रेफरेंस शेयर प्रेफरेंस ऑफ ₹100 सपोज कंपनी ने इशू किए प्रेफरेंस शेयर्स, अगर उनको लगेगा तो प्रेफरेंस शेयर इशू करेंगे, तो जिस बंदे ने ये खरीदा उसको साल के बाद पता है कितना मिलेगा, उसको साल के बाद क्या मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा, अगर मिलेगा मैक्सिमम 10 मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा, और जब ये कंपनी बंद हो जाएगी और अगर पैसा बचा तो उसको वापस में कितना मिलेगा, वो अपना 100 मिलेगा, तो उसको उतना ही मिलेगा जितना इसने पैसा लगाया था 100, और डिविडेंड जब जब मिलेगा तो 10-10 रुपये मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। बट आप सोच लो कि ये कंपनी जो है इसने बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाया, इस कंपनी ने 1 लाख का प्रॉफिट कमाया, इक्विटी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को सिर्फ कितना मिलेगा, 10% मिलेगा, बाकी जो बचा पीछे वो सारा कौन लेगा, वो इक्विटी शेयर लेगा, इक्विटी शेयर होल्डर लेगा, कुछ और कंपनी ने बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाया, तो जो एसेट्स बढ़ गए वो सारा किसको मिलेगा, फिर इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को अपना 100 रुपये ही मिलेगा, पर बाकी जितना भी पैसा बचा जैसे मैंने ऊपर दिखाया था वो 10 रुपया जो है 160 रुपया होगा, तो जो रियल ओनर होते हैं वो इक्विटी शेयर होल्डर थे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर नहीं होते, प्रेफरेंस शेयर होल्डर इज एज गुड एज अ लाइबिलिटी। हालांकि जो अभी नया इंडेस आया ना, वो जो बाहर की कंपनी है ना, वो प्रेफरेंस शेयर को शेयर होल्डर मानती नहीं है, वो बोलते हैं ये तो लाइबिलिटी है, ये तो जस्ट लाइक लोन है जिसपे 10% इंटरेस्ट दे रहे हो आप, फर्क इतना ही है अगर आपने कमाया नहीं तो आपको नहीं देना है, तो वो मानते नहीं है कि प्रेफरेंस शेयर आपके ओनर्स हैं, वो मानते नहीं कि प्रेफरेंस शेयर आपके शेयर होल्डर है, वो बोलते हैं कि ये लाइबिलिटी है, बट यहाँ पे आप अभी भी कंपनी एक्ट में इसको शेयर होल्डर की तरह दिखाते हो, बट कायदे से देखा जाए ये रियल ओनर नहीं है, क्योंकि इनके पास एक और चीज नहीं होता है, इनको वोटिंग राइट नहीं होता है। क्या नहीं होता है वोटिंग राइट भाई, राइट्स नहीं होते। मालिक को वोटिंग राइट होता है ना, प्रेफरेंस शेयर को वोटिंग राइट ही नहीं होता है, इनको पर्टिकुलर कुछ एक आध पॉइंट्स में राइट होता है, बट अल्टीमेट राइट जो है वो इक्विटी शेयर होल्डर के पास होता है। ठीक है, यहां तक समझ आया।
जी। अब फिर इस इक्विटी प्रेफरेंस शेयर्स के ना कुछ टाइप्स है, प्रेफरेंस शेयर्स के कुछ टाइप्स है, तो मैं उन सब टाइप्स को यहाँ पे लिखता हूँ, तो थोड़ा उसको डिस्कस कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, एक एक करके सबको डिस्कस कर लेते हैं। चलो मैं पहले पढ़ लेता हूँ इन्होंने क्या लिखा है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 43 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, अ कंपनी कैन इशू ओनली टू टाइप ऑफ शेयर। तो एक कंपनी दो ही तरह के शेयर इशू कर सकते हैं, एक इक्विटी शेयर और दूसरा प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस प्रेफरेंस शेयर शेयर के लिए बारे में बोल रहा है, द लॉ डिफाइन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एज दैट पार्ट ऑफ द शेयर कैपिटल व्हिच फुलफिल्स बोथ द फॉलोइंग कंडीशन। इट कैरीज अ प्रेफरेंशियल राइट इन रिस्पेक्ट ऑफ द डिविडेंड। इसको डिविडेंड के कंटेक्स्ट में प्रेफरेंशियल राइट मिलता है कि जब अगर डिविडेंड देना होगा सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर को देंगे। दूसरा, इट कैरीज प्रेफरेंशियल राइट विद रिगार्ड टू द रिपेमेंट ऑफ द कैपिटल। कल को अगर पैसे वापस देने हैं तो सबसे पहले किसको मिलेगा? प्रेफरेंस शेयर को मिलेगा। जो मैंने आपको इनिशियली बताया सिंपली के उनको दो राइट्स मिलते हैं, एक प्रेफरेंस विद रिस्पेक्ट टू द डिविडेंड, दूसरा प्रेफरेंस विद रिस्पेक्ट टू द रिपेमेंट ऑफ द कैपिटल। फिर बोलता है द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर एंटाइटल्ड टू रिसीव द फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड। जैसे मैंने एग्जांपल दी 10% आउट ऑफ द नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, ओनली आफ्टर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड फिक्स्ड इज मेड टू देम द बैलेंस कैन बी यूज्ड फॉर डिविडेंड ऑडिशन। तो पहले इनको देंगे, फिर अगर कुछ पैसा बचा तब इक्विटी शेयर को मिलेगा, अदरवाइज उसको नहीं मिलेगा। और बोल रहा है द रेट ऑफ डिविडेंड ऑन द प्रेफरेंस शेयर इज डिफाइंड इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। कहां पे डिफाइन होता है वो? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में। द लिमिटेशन ऑफ द प्रेफरेंस शेयर इज, अब सबको लग रहा था अभी तक कि भाई फायदा है प्रेफरेंस शेयर में, भाई इनको पहले पैसे मिल रहे हैं डिविडेंड में, कल को कंपनी बंद हो जाएगी सबसे पहले इनको पैसा मिलेगा, फिक्स्ड भी मिलेगा, बट द लिमिटेशन इज फिक्स्ड फायदा भी है फिक्स्ड नुकसान भी है। सिंपल सी बात है, तो मोर द रिस्क मोर द रिवॉर्ड है ना भाई। आप रिस्क कम ले रहे हो 10% तो 10% ही मिलेगा, पर इक्विटी में आपको 100% प्रॉफिट होगा तो आपको 100% डिविडेंड भी मिल सकता है। द लिमिटेशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज दैट इट डज नॉट कैरी वोटिंग राइट। इनको कोई वोटिंग राइट नहीं मिलता है ऑन एवरी रेजोल्यूशन पास इन द, हर रेजोल्यूशन पे इनको वोटिंग राइट नहीं मिलता है, इनको सिर्फ उन्हीं रेजोल्यूशन पे वोटिंग राइट मिलता है जहां पे इनका इंपैक्ट होता है, अदरवाइज नहीं होता है। दे हैव राइट टू वोट ऑन द रिजर्व व्हिच डायरेक्टली सर, अफेक्ट राइट्स अटैच टू द प्रेफरेंस शेयर। अगर प्रेफरेंस शेयर से अटैच कोई राइट है वहां पे इनको हक होता है बोलने का, अदरवाइज नहीं होता है। बाकी कंपनी के बाकी जितने भी डिसीजन लेने तो वो कौन लेते हैं? बाकी ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर जो होते हैं वो रियल ओनर ऑफ द कंपनी के होते हैं। जोर से बता बेटा। सर, जो इक्विटी शेयर होते हैं वो रियल ओनर ऑफ द कंपनी के होते हैं सर। हाँ, रियल ओनर वही होते हैं। तभी तो बोला बाहर तो इनको शेयर होल्डर मानते ही नहीं है, ये तो इंडिया में मान रहे हैं शेयर होल्डर, ये तो शेयर होल्डर नहीं है, तो लाइबिलिटी है प्योरली। अब टाइप्स ऑफ एक प्रेफरेंस शेयर हम डिस्कस करते हैं। एक होता है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, क्या होता है? क्यूमुलेटिव और दूसरा होता है नॉन क्यूमुलेटिव। अच्छे से समझना, बहुत आसान है। क्या होता है क्यूमुलेटिव और दूसरा होता है नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस। क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है बेटा, कोई बता दो, क्यूमुलेट का मतलब क्या होता है? एक्यूमुलेट का मतलब क्या होता है? एक्यूमुलेशन का मतलब क्या होता है? जमा होना, बढ़ जाना, ये बोलते हैं ना एक्यूमुलेट। एक्यूमुलेट हाँ होना, हाँ बढ़ हाँ जाना, सब सब एग्री कर रहे हो ना, एक्यूमुलेट में बढ़ जाना। क्यूमुलेटिव का मतलब होता है जो बढ़ रहा हो, जो क्यूमुलेट हो रहा है। 1 + 1 = 2, पहले साल मैंने आपको 10 रुपया दे दिया, अगले साल भी 10 रुपया दे, क्यूमुलेटिव बेस में मैंने आपको कितने रुपए दे दिए? 20 रुपया, अगले साल और 10 रुपया। तो क्यूमुलेटिव मतलब क्या होता है? बढ़ जाना, जो क्यूमुलेट होता होगा, एक्यूमुलेट होता होगा। अब यहाँ पे क्या मतलब होता है एक्यूमुलेट, वो मैं बता दूँ। हुआ क्या, सपोज हमने इस साल कंपनी स्टार्ट कर ली 2022 में, और इस साल हमने लॉस हो गया, 2023 में भी लॉस हो गया, 2024 में भी नो प्रॉफिट हो गया, 2025 में प्रॉफिट हो गया, 2026 ऑनवर्ड भी प्रॉफिट हो गया, ठीक है ना। अगर कंपनीज ने नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर इशू किया है, अगर कंपनी ने जो शेयर इशू किए वो नॉन क्यूमुलेटिव है, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर का मतलब, प्रेफरेंस शेयर पे क्या देना होता है आपको? डिविडेंड देना होता है, ये पहले समझो। प्रेफरेंस शेयर पे क्या होता है? डिविडेंड सपोज फिक्स्ड रेट है 10%, तो आपको प्रेफरेंस शेयर अगर क्या आपको 10% डिविडेंड देना है। सपोज जी आपने 1 लाख के शेयर इशू कर लिए तो आपको हर साल 10,000 का डिविडेंड देना है। हाँ डिविडेंड किससे देना है? अगर आपको प्रॉफिट होगा डिविडेंड किससे देते हैं? डिविडेंड क्या होता है? प्रॉफिट से प्रॉफिट प्रॉफिट का हिस्सा आप शेयर होल्डर को देते हो। से अगर आपको लॉस होगा तो क्या आप इस साल डिविडेंड दोगे? नो। अरे लॉस ना हुआ तो प्रॉफिट तो कुछ है नहीं, प्रॉफिट का क्या डिविडेंड देंगे? प्रॉफिट
प्रॉफिट ही नहीं हुआ है, यहाँ पे भी कुछ भी नहीं दोगे, यहाँ पे भी कुछ नहीं, यहाँ पे दोगे आप, यहाँ पे आपको 10,000 डिविडेंड बनता है, बनता है 10,000 डिविडेंड। हाँ अब अगर आपका नॉन क्यूमुलेटिव है, अगर नॉन नॉन क्यूमुलेटिव है तो यहाँ पे आप डिविडेंड नहीं दोगे, यहाँ पे भी डिविडेंड नहीं दोगे, यहाँ पे भी डिविडेंड नहीं, यहाँ पे भी डिविडेंड दोगे, कितना दोगे, 10,000 दोगे। अगर क्यूमुलेटिव है तो क्यूमुलेटिव में जिस साल प्रॉफिट हो गया, इस साल का 10,000 का डिविडेंड था आपने नहीं दिया, वो एक्यूमुलेट हो गया, क्या हो गया, एक्यूमुलेट हो गया, वो कंपनी की मिनट तरफ से एज एन एरियर क्रिएट हो जाएगा, आपने उसको डिविडेंड देना था बट अभी आपको प्रॉफिट नहीं हो गया, तो 10,000 क्यूमुलेट हो जाएगा, यहाँ का 10,000 बनता था, यहाँ पे भी 10,000 बनता था, यहाँ पे भी 10,000 बनता था, बनता था नहीं बनता था भाई, प्रेफरेंस जी शेयर जी पे डिविडेंड कितना बनता था, 10,000 बनता था, 10,000 बट आपके पास प्रॉफिट नहीं था तो आपने डिविडेंड नहीं दिया, यहाँ पर भी 10,000 बन रहा था, आपको प्रॉफिट नहीं था, आपने नहीं दिया, यहाँ पर भी 10,000 बन रहा था, आपने प्रॉफिट नहीं था, आपने नहीं दिया, यहाँ पे आप प्रॉफिट आपका है और इस साल का 10,000 बन रहा है, ये तो दे दोगे, बट अगर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है तो पुराने डिविडेंड भी देने पड़ेंगे। समझ आई बात, हाँ सबको समझ आया? जी, नॉन क्यूमुलेटिव में क्या सस्टेनेबल होता है प्रॉफिट। भाई, अगर प्रॉफिट नहीं था तो कोई डिविडेंड की लाइबिलिटी नहीं बनती है, नहीं देना है, जिस साल प्रॉफिट होगा उस साल ही डिविडेंड देंगे, पुराना नहीं देंगे, बट अगर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है तो भाई नो मैटर आप पिछले साल नहीं दे रहे हो डिविडेंड, क्योंकि आपको प्रॉफिट नहीं है, बट जिस साल प्रॉफिट आ गए तो पुराने डिविडेंड भी देने पड़ेंगे। समझ आई बात? अरे समझ आ गई बात, क्या होता है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस जी शेयर, सर आया वो सर। प्रेफरेंस शेयर कि उसका डिविडेंड क्यूमुलेट होता है, अगर आपको लॉस हो गया या प्रॉफिट हो गया तो जिस साल आपको प्रॉफिट होगा उस साल पुराने सालों का भी डिविडेंड आपको देना पड़ेगा, उसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव। नॉन क्यूमुलेटिव में अगर प्रॉफिट है तो मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा, अगले साल भूल जाओ, अगले साल उसका पिछले साल का नहीं मिलेगा। समझ आई बात? लेकिन सर हमने BST में पढ़ा था कि जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को शायद 3 सालों का प्रॉफिट नहीं मिलता है, डिविडेंड नहीं मिलता है, तो इक्विटी शेयर बन जाते हैं। किसमें पढ़ा था? सर बिजनेस स्टडीज में 11th में। एक बार देखना पड़ेगा, कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से देखना पड़ेगा, मेरे को भी ये बात पहली बार सुनाई थी, पहले होता था कुछ 90 ऐसी बात नहीं है, कुछ उसमें डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, बट अभी आप वो एक अलग सा टॉपिक है, अभी जस्ट मतलब समझ लो बात कि प्रेफरेंस शेयर्स अगर क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव तो फर्क ही है। क्यूमुलेटिव में क्या होता है कि अगर पिछले साल का डिविडेंड नहीं मिला ड्यू टू बीइंग नो प्रॉफिट या व्हाट एवर द केसेस, जब डिविडेंड मिला जाएगा तो पिछले सालों का एरियर भी मिलेगा, और अगर नॉन क्यूमुलेटिव तो पिछले सालों का नहीं मिलेगा। ठीक है, समझ आई बात? आज के लिए इतना ही रखेंगे, तो मुझे भी अभी ईशा पढ़नी है और आप लोगों को भी ईशा पढ़नी होगी, कल प्रेफरेंस शेयर के बाकी टाइप्स और इक्विटी शेयर के बाकी टाइप्स हैं वो सब कुछ करेंगे, तो कल हमारा ये जो बेसिकली थ्योरी वाला पार्ट है इंशाल्लाह कल करेंगे, और उसके बाद फिर हम प्रैक्टिकल कर जाएंगे। ठीक है, किसी और को कोई डाउट ओके याद है बात नो सर, मैं करूँ कल दो? ओके सर। ठीक है, किसी को डाउट नहीं है ना अभी कुछ जितना अभी तक पढ़ा? ठीक नो सर, है, अभी क्लोज कर लेते हैं, कल इंशाल्लाह ओके फिर सर। इसका जो बाकी हिस्सा है वो भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना, नोट ले लेना, आहिस्ता आहिस्ता सब समझ आएगा। गुड जी सर, नाइट, अल्लाह हाफिज। अल्लाह।